प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैंने अपने पहले कुछ वीडियो में एक बात आप लोगों के सामने रखी थी कि 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके आधार पर यदि हम बात करें तो समस्याएं अपनी चरम सीमा पर होंगी। यानी कि पूरे विश्व के अंदर ये समय अनेक ऐसी परिस्थितियों को जन्म देगा जो अकस्मात होंगी, हमें परेशान भी करेंगी, लेकिन इसका समय बहुत लंबा नहीं होगा। यानी कि इस एक माह के अंदर 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच के अंदर बहुत सी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित होंगी जिसका आज हम पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते, और उसका प्रत्यक्ष हमको एक उदाहरण भी देखने को मिल गया है। हाल ही के स्टडी के अंदर यूके के अंदर एक नई चीज सामने आई है कि कोरोना वायरस अपने एक नए अवतार के अंदर, एक नए रूप के अंदर लोगों के सामने आया है, और वो पहले से 70% से ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि घातक है। और जिसका परिणाम यह हुआ है कि सऊदी अरब ने अपने एरिए सील कर दिए हैं, अपने बॉर्डर सील कर दी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उसने रोक दिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है, वैक्सीन का इंतजार कर रही है, वैक्सीन आने के बाद उन्हें राहत मिलेगी ये सुखद समाचार सुनने के लिए ललायत है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आना, ऐसी खबरों का आना निस्संदेह हम लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाला है। लेकिन ग्रहों की स्थिति हमें ये पहले से ही बता देती है कि आने वाला समय हमें राहत देने वाला है या हमारी तकलीफ को बढ़ाने वाला है। ऐसे में मैंने अपने पहले ही वीडियो के अंदर बताया था कि 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में परिस्थितियां बहुत ही नाजुक मोड़ ले लेंगी और पूरे विश्व के सामने अनेकों ऐसी घटनाएं होंगी जो अप्रत्याशित भी होंगी और जिनसे बाहर निकलने का प्रयास भी यहां पर बहुत तेजी से होंगे। दर्शकों, जैसा कोरोना महामारी ने इतना लंबा समय पूरे विश्व को परेशान करके रखा है, वैसी परेशानियां अब नहीं होंगी, लेकिन ये एक माह का समय हमें बहुत परेशान करने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यानी कि ये जो समाचार अभी हम लोगों को मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस का एक नया रूप हमको देखने को मिल रहा है जो पहले से ज्यादा घातक है, ये अपने आप में चिंता को बढ़ाने वाला है। लेकिन चूंकि पिछले काफी समय से साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है, ऐसे में अब इस बीमारी पर कंट्रोल करने के उपाय बहुत तेजी के साथ डेवलप हो जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन ग्रहों की परिस्थितियां बार बार हमें सावधान कर रही हैं, सचेत कर रही हैं कि आने वाला समय फिर हमारे लिए कुछ चुनौतियां लेकर आने वाला है, और ये चुनौतियां अंतिम चुनौती होगी इस संसार के सामने। इसलिए हमें डट करके, सावधानी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ इन परिस्थितियों का मुकाबला भी करना है। और मैंने अपने एक वीडियो के अंदर इन परिस्थितियों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, उसका एक समाधान भी मैंने एक वीडियो के अंदर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रहा हूं, आप वो जरूर देखिए। दर्शकों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय है, ये भी निकल जाएगा और पूरा विश्व आने वाले समय में एक सुखद दौर में भी प्रवेश करेगा। लेकिन वर्तमान समय चुनौतीपूर्ण है, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था और अब रिजल्ट हमारे सामने आने भी लगा है, ऐसे में हमें सावधान जरूर रहना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने अपने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव तरीके से आने वाले समय को ग्रहों के आधार पर ध्यान में रखते हुए सटीक विश्लेषण देने की कोशिश की है कि हम कैसे इस आने वाले समय के अंदर अपने आप को सावधान रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और एक कितना लंबा समय है जो हमें परेशान करेगा, इसका पूर्व आकलन करके मैंने आप लोगों को बताया है। आप चाहें तो इसे मेरी भविष्यवाणी भी कह सकते हैं, लेकिन 14 जनवरी 2021 से लेकर के 13 फरवरी 2021 का समय पूरे विश्व के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अप्रत्याशित घटनाओं का जन्म भी होगा और बहुत जल्दी हम उन घटनाओं से पूरे विश्व को निकलता हुआ भी देखेंगे। लेकिन धैर्य रखना है हमें, विचलित नहीं होना है, समय बहुत लंबा नहीं है, हम पुनः इस विश्व को एक सुनहरे दौर के अंदर जाता हुआ भी जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।